students, we will study about the chapter of English text, chapter number 7 the outsider, means bahari aadmi so let's start the new poem. now read a poem about the life of a physical, physically challenged person. अब हम एक poem में पढ़ेंगे एक कैसे जो physically challenge accept करता है एक व्यक्ति जो अपनी life में इस तरीके की चुनौतियाँ हैं उसको स्वीकार करता है. I'm handicapped and wheelchair bound, expected to sit and not make a sound, just to smile and let the world go by with saintly patience and never sigh. Inside my head, thoughts come and go, ideas are born which long to flow, flow from my lips and link me with others. But my words sound strange, so number. A no one bothers my tongue and lips do not as I ask; I cannot perform the simplest task, but I have a mind, and I am still there. Don't lock me out in your ignorance there talk though I seem not to understand, touch me, include me, hold my hand. आई एम अ लाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिविन टू अब इस पोएम में कवि स्वयं को विकलांग और व्हील चेयर से बंधा हुआ बताता है सामान्य लोग अपेक्षा करते हैं कि वे चुपचाप बैठे हैं और मुस्कुराए और दूसरे लोगों को अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी दे शारीरिक रूप से विकलांग लोगों से अपेक्षा करते हैं वो ठीक है कि वे शांत रहें और अपनी जो भी अशक जो भी अशक्तम वो हैं उनकी अक्षमताओं को किसी भी उसके बारे में मतलब पार्टिसिपेट ही ना करें यानी कि चुप रह के एक साइड में बैठे रहें और अपनी चीज़ों के बारे में बिल्कुल कुछ बोले ही ना क्योंकि वो शायद उनको इस स्किल के लिए समझते ही नहीं हैं कवि कहता है कि यद्यपि वह शारीरिक रूप से अक्षम है फिर भी वह मानसिक रूप से भी उतना ही सक्षम है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति उसके पास सोचने और विचार बनाने की क्षमता भी होती है जिसे वे दूसरों के साथ साझा करने के लिए भी तरसते हैं लेकिन क्योंकि उनके विचार और शब्द जो हैं सामान्य लोगों को अजीब लगते हैं इसलिए कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है उन्हें आमतौर पर दूसरे लोगों के द्वारा इस तरीके से देखा जाता है कि वो दुखी हो जाता है उसकी जीभ या होठ आवश्यकता पड़ने पर ही सरलतम कार्य नहीं कर सकते क्योंकि वक्ता भी गूंगा है ठीक है यानी कि जो अपनी ये पोएम बता रहा है अपने बारे में वो भी गूंगा है लेकिन कवि को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसका दिमाग सामान्य लोगों की तरह ही है वह सामान्य लोगों के सामान्य लोगों से उसके जो विचार हैं वो पहचानने की और उसकी आवश्यकता के लिए अनुरोध करता है लेकिन वो अनुरोध ही करता है लेकिन उसको अनदेखा किया जाता है इग्नोर किया जाता है कविता के अंतिम पैराग्राफ में ये बताया कि जो पहली पंक्ति से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कवि जो है वो बहरा भी हो सकता है क्योंकि वह कहता है कि उसके उसको कोई जैसे उसे समझ में नहीं आता है कि सामान्य लोग क्या बात कर रहे हैं लेकिन वह है सामान्य लोगों के दैनिक व्यवसाय में शामिल होना पसंद करता है वह उनसे अपना हाथ छूने शामिल करने और पकड़ने के लिए भी विनती करता है लेकिन उसकी विनती को अनदेखा किया जाता है उसे बताया जाता है कि वह वो बताता है कि भाई मैं भी जीवित हूँ ठीक है तो मुझे भी कामों में शामिल करो दूसरे लोगों की तरह वह आग्रह करता है लेकिन उसके विकलांग होने की वजह से लोग उनसे ना तो बातें शेयर करते हैं और ना ही उनको इंपॉर्टेंस देते हैं वो बार बार लोगों को ये जताता है कि मैं जिंदा हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ में लाइफ शेयर करना चाहता हूँ लेकिन लोग उसे इस काबिल समझते ही नहीं हैं कि वो उसे अपने बातचीत में शामिल करें या उसको भी नॉर्मल लोगों की तरह समझें तो ये इस पोए में बताया गया है आई होप आपको समझ आया होगा थैंक यू